हाँ जी, हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है एड अंकल के इस प्लेटफॉर्म पर। एड अंकल करो सरकारी नौकरी की तैयारी। एक बार बता दीजिए आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम पॉलिटी को यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। पूरा जीएस हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स एंड जितके हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन पहले शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी से। पॉलिटी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और पॉलिटी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि भारत में पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है, वो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। एक्चुअली पूरा सिलेबस में डिस्कस कर चुका हूँ क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं। यहाँ पर हमें इंडियन पॉलिटी में मेनली पढ़ना है भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ जी, यहाँ पढ़ने वाले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कोई मुझे बता सकता है कि भारत का संविधान जॉनी बिंदु, हेलो। हाँ जी बिल्कुल, आप जुड़े रहिए हमें हमसे। हाँ जी, कोई बता सकता है कि भारत का ये संविधान बना कैसे, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये शुरुआत कहाँ से होती है, और कौन क्या लोग थे जो उन्होंने भारत का संविधान बनाने में अपना योगदान दिया। अगर कुछ भी आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी हम शुरू कर रहे हैं। जब भारत के संविधान की बात आती है, मेनली शुरू होता है अंग्रेजों के समय से, 1773 से। लेकिन हम यहाँ वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हिस्ट्री का पोर्शन है, और जब तक आपका हिस्ट्री का बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा वो चीजें समझ नहीं आएगी। हम यहाँ पढ़ेंगे जो आज का संविधान है वो कैसे बना, और उसकी शुरुआत होती है 1935 से। 1935 में एक अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम। और ये आता है 1935 के अंदर, 1935 में इंडियन गवर्नमेंट को चलाने के लिए अंग्रेज एक एक्ट लेके आते हैं। उस समय की इंडियन गवर्नमेंट, जिसको कौन चला रहे थे, अंग्रेज चला रहे थे। उस एक्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, बदलाव किया जाता है, पूरा फेडरेशन बनाया जाता है, ब्रह्मा को भारत से अलग किया जाता है। ये वो एकमात्र कानून है जिसका भारत के आज के संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी कानून के तहत 1937 के अंदर, 1937 में इस देश में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होते हैं 1937 में। और इन इलेक्शंस में जीत कर आती है सबसे बड़ी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल जब कांग्रेस जीत कर आती है, अलग अलग राज्यों में सरकार बनाती है, वो सरकार बनी जरूर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उस सरकार को आज की तरह अधिकार नहीं थे, बस इतने अधिकार मान सकते हैं जैसे आज की हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, पंचायत वगैरह, इनको जो अधिकार होते हैं उतना ही अधिकार उस समय की कांग्रेस सरकार को था। अलग अलग राज्यों में सरकार बनी थी, सेंटर में जैसे आज के समय नरेंद्र मोदी है, उस समय सेंटर में अंग्रेज ही थे, अंग्रेज ही राज कर रहे थे, लेकिन ये सरकारें बनी थी राज्यों में और उनको भी इतना अधिकार नहीं था। एक सिनेरियो तो हमने देखा कि 1937 में चुनाव होते हैं और कौन से कानून के तहत होते हैं, 1935 के एक्ट के तहत। दूसरा सिनेरियो था विश्व युद्ध। हाँ जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और ये होता है 1939 में और चलता है 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध ने, आरती दलाल गुड आफ्टरनून, पवन सिंह राम राम सर, मंजू बिडलान गुड आफ्टरनून, और मोनिका सैनी बिल्कुल आप सबका स्वागत है। प्लीज जुड़े रहिए क्लास में, बहुत चीजें होंगी जो रिपीट भी करेंगे और कुछ नया भी करेंगे भाई। ठीक है, अब 1935 के तहत चुनाव होते हैं 1937 में, और उसी समय होता है विश्व युद्ध 1945 में शुरू। इस विश्व युद्ध का इफेक्ट भारत पर बहुत जबरदस्त पड़ता है। अंग्रेज बिना भारतीय नेताओं से पूछे भारत को विश्व युद्ध में धकेल देते हैं। अब मुझे बताइए, युद्ध कौन लड़ रहा है? युद्ध लड़ रहे थे अंग्रेज।
ब्रिटिशर्स। और युद्ध में मर कौन रहा था? भारतीय। अब इस युद्ध को हमारा कोई लेना देना था ही नहीं, लड़ाई हो रही थी ब्रिटेन की, रसिया की, जापान की, जर्मनी की आपस में, और इसमें लड़ रहे हैं भारतीय सिपाही। नुकसान किसका? भारतीयों का। फायदा किसका? अंग्रेजों का। इस बात से भारतीय नेता बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और वो जो चुनाव जीता था वहां से सामूहिक त्याग पत्र दे देते हैं। हाँ जी, युद्ध में भारतीयों को बिना परमिशन के शामिल करने पर कांग्रेस सामूहिक त्याग पत्र दे देती है। त्याग पत्र में मीन्स रेजिग्नेशन। पूरी कांग्रेस पार्टी सारे के सारे स्टेट से एक साथ मिलकर त्याग पत्र दे देती है। अब इससे बड़ी समस्या होती है भाई, देश के अंदर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है। जितने भी राज्य थे किसी के अंदर भी सरकार नहीं है। आज आपके सोच, आज के समय में सोच कर देखो, नरेंद्र मोदी सेंटर में राज कर रहे हैं, केंद्र में राज कर रहे हैं, और सभी राज्य अगर एक साथ मिलकर अपना त्याग पत्र दे दे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, तो क्या देश के हालात क्या होंगे? आप सोच सकते हैं, सेम वैसा ही हुआ उस समय पर भी, सेम वैसा ही उस समय हुआ, और देश में हो गया संवैधानिक संकट। अब संवैधानिक संकट हो गया, अंग्रेजों को चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का साथ, और भारतीयों को मनाने के लिए कि युद्ध में हमारा साथ दें, तो अंग्रेज 1940 में एक ऑफर लेकर आते हैं, और इसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। और ये आता है 1940 में, और इसी को बोला जाता है अगस्त ऑफर 1940 में। और लेकर कौन आता है? लिन लिथगो। ये उस समय भारत में वायसराय थे। 1940 में ऑफर लेकर आते हैं, क्यों लेकर आते हैं? भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए, मनाने के लिए। और दूसरा, भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए, मनाने के लिए ये ऑफर आया जाता है। और दूसरा, यहाँ जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था, सभी राज्यों की सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया था, उनको मनाने के लिए ऑफर लेकर आते हैं, और ये भारतीयों को कुछ ऑफर करते हैं, इसीलिए बोला जाता है इसे अगस्त ऑफर या फिर अगस्त प्रस्ताव। और उसमें क्या क्या कहा जाता है? सबसे पहले बोलते हैं कि हम आप इस बात से नाराज हैं कि आपसे बिना पूछे हुए भारतीयों को हमने युद्ध में शामिल कर लिया, तो हम एक युद्ध सलाहकार समिति की गठन करेंगे। युद्ध सलाहकार समिति। हाँ जी, वार के ऊपर एक कमेटी बनाएंगी जो आपको सजेशन देगी कि भाई युद्ध में भारतीयों को शामिल करना है या नहीं करना। ये कुछ इस तरह ही था जैसे आज के समय में अगर कोई भी दंगा हो जाए, कुछ भी घटना हो जाए, सरकार क्या बनेगी? एक कमेटी बना देगी, एक आयोग बना देगी। वो आयोग क्या करेगा? वो आयोग जांच करेगा, उसकी रिपोर्ट कब आएगी, कितने समय बाद आएगी। सेम काम अंग्रेज कर रहे थे। भारतीयों को मनाने के लिए उन लोगों ने एक कमेटी बना दी कि युद्ध में हमें आप हमने आपको युद्ध में शामिल कर लिया है, आपके बिना बताए शामिल कर लिया है। हम एक कमेटी बनाते हैं, जो वो कमेटी कहेगी उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। क्लियर है? दूसरा, इनमें कहा कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है, भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। पहली बार अंग्रेज इस बात को मानते हैं कि संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है, भारतीय ही अपना अधिकार बना सकते हैं। इस बात को लेकर पहली बार अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकारा।
इस बात को देश की दोनों मुख्य पार्टियां, एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक थी मुस्लिम लीग, दोनों ने नकार दिया। क्यों नकार दिया भाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती थी कि भारत, अंग्रेज भारत को युद्ध के बाद पूरी तरह स्वतंत्रता प्रदान करें। उन्हें स्वतंत्रता से कम कुछ भी चाहिए नहीं था, टोटल फ्रीडम कांग्रेस पार्टी चाहती थी। और दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग, एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग यहां तक आकर देश का विभाजन की मांग कर रही थी और इस बात का जिक्र अगस्तोफर में अंग्रेजों ने कहीं किया ही नहीं। तो मुस्लिम लीग ने इसलिए नकार दिया क्योंकि देश के विभाजन की बात इसमें थी ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी ने इसलिए नकार दिया कि अंग्रेज भारत को स्वतंत्रता देने की बात ही नहीं कर रहे थे। अगर वो कर रहे थे सिर्फ इतना कर रहे थे कि भारत को हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। इस बात का जिक्र जरूर किया था, भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का मतलब है औपनिवेशिक स्वराज। हां जी, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता, क्योंकि समय कौन सा चल रहा है, 1940 का, और हम 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर चुके थे। जब इस समय से 10 साल पहले हम ये कह चुके हैं कि हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता, तो क्या हम अब आधी स्वतंत्रता पर मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं मांगे। तो ये पूरी तरह अगस्तोफर रिजेक्ट हो गया देश की दोनों मुख्य पार्टियों से। अंग्रेज फिर भी नहीं मानते हैं, अंग्रेज भारतीयों को मनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर एक और आएगा और उसे बोला जाता है क्रिप्स मिशन, और ये आता है 1942 में। इसका नाम इंग्लिश में भी यही रहेगा, क्रिप्स मिशन, और इसको लेकर आने वाले व्यक्ति थे स्टेफर्ड क्रिप्स। हां जी, ये क्यों आया भाई? इसके आने के पीछे वजह थी, पहला ऑफर अगस्त ऑफर रिजेक्ट हो गया, युद्ध में फिर से अंग्रेजों को भारतीयों का साथ चाहिए क्योंकि भारतीय युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं, मना कर चुके हैं। और दूसरा, बार बार भारतीय इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हमें चाहिए पूर्ण आजादी। तो क्रिप्स मिशन भारत में आता है, स्टेफर्ड क्रिप्स भारतीय नेताओं से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि युद्ध में हमारा साथ दीजिए, युद्ध के बाद। और युद्ध के बाद के लिए हम लिख सकते हैं युद्धोपरांत भारत की संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो भारत का संविधान बनाएगी उसका हम निर्माण करेंगे। फर्क है यहां, 1940 में क्या बोला कि भारतीयों का अधिकार है कि वो अपना संविधान बनाए, सिर्फ इस बात का जिक्र किया कि भारतीयों अपना अधिकार है कि वो अपना संविधान बनाए। लेकिन यहां थोड़ा सा आगे बढ़ गए, अंग्रेजों ने कहा कि युद्ध में साथ दीजिए और युद्ध के बाद भारत की संविधान सभा का निर्माण करेंगे। पहली बार अंग्रेज भारत के संविधान के लिए निर्वाचित संविधान सभा के निर्माण की बात करते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस मिशन के तहत अंग्रेजों ने पहली बार भारतीय संविधान सभा के निर्माण का जिक्र किया? तो संविधान सभा का जिक्र किया है 1942 में। और अगर पूछे कि किस मिशन में पहली बार संविधान का जिक्र किया, तो संविधान का जिक्र करते हैं इससे पीछे वाला अगस्तोफर 1940 के अंदर। क्लियर है ये बात? हां जी, वॉइस तेज करें बिल्कुल, अगर कम आए तो आप बता देना। गोहाना बिल्कुल सक्सेस 66। हां जी हां जी, अगर आवाज अब कम आए तो मुझे बता देना, ठीक है। पहली बार अंग्रेजों ने यह कहा कि भारत की संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कहा कि युद्ध के में हमारा साथ दो, युद्ध में अगर हमारा साथ दोगे तो हम आपका फिर से वही काम करेंगे, डोमिनियन स्टेटस प्रदान करेंगे। तो युद्धोपरांत डोमिनियन स्टेटस मतलब औपनिवेशिक स्वराज। इस बात को तो हम 1940 में ही नकार चुके थे,
हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। अच्छा, ये डोमिनियन स्टेटस होता क्या है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि सरकार तो भारतीय चलाएंगे, लेकिन उसके ऊपर फैसला लेने वाले होंगे अंग्रेज, अंग्रेजों की महारानी, और वो तो हमें चाहिए नहीं था, ये तो हमने 1940 में ही मना कर दिया था। तो ये बात तो पहले ही रिजेक्ट होगी। अब जब ये संविधान सभा के निर्माण की बात थी, यहाँ अंग्रेजों ने एक कंडीशन लगा दी, और कंडीशन ये लगा दी कि ठीक है भाई, आपका संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे, लेकिन जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, वो ऐसे स्टेट प्रिंसली स्टेट बोले जाते थे जहां पर राजा और रजवाड़े राज कर रहे थे, उनकी मर्जी है इस संविधान को माने या ना माने, या फिर वो अपना नया संविधान बनाए। अब मुझे बताइए, क्या कोई भी राजा अपना राज छोड़कर संविधान मानेगा? कभी भी नहीं मानेगा। इससे क्या होगा, देश के टुकड़े हो जाएंगे। और इस बात से कांग्रेस ने बिल्कुल मना कर दिया कि संविधान तो चाहिए, लेकिन ऐसा संविधान नहीं चाहिए जो देश को टुकड़ों में तोड़े। तो फिर से कांग्रेस पार्टी नाराज होगी, और इस बात से भी क्या हो गया, कैंसल हो गया। और तीसरा, मुस्लिम लीग का वही राग था कि देश का करना है बंटवारा, धर्म के आधार पर विभाजन। जब दोनों पार्टियों ने फिर से बिल्कुल मना कर दिया, तो ये ऑफर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये हुई, पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा के निर्माण का जिक्र किया। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, हाँ जी, अब आवाज ठीक है, क्लियर करके बताइए। अब देखो 1940 में क्या आया, अगस्त प्रस्ताव। यहां आया क्रिप्स मिशन, और दोनों के दोनों हो गए रिजेक्ट, अपने लिए क्वेश्चन बन गए। पूछा जा सकता है अगस्त प्रस्ताव कब आया 1940 में, और क्रिप्स मिशन कब आया 1942 में, दोनों रिजेक्ट हो गए। एक साइड ये घटना घट रही थी, दूसरी साइड मैंने जिक्र किया था विश्व युद्ध भी तो चल रहा था। अब विश्व युद्ध में क्या हो रहा था वो देख लेते हैं भाई। विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये होता है 1939 में, और समय आ जाता है 7 दिसंबर 1941 का। इस युद्ध में एक ओर लड़ रहा था ब्रिटेन, रशिया जैसे देश, और दूसरी ओर थे जर्मनी एंड जापान। स्टार्टिंग में इस समय तक 7 दिसंबर 1941 तक हैवी था जर्मनी एंड जापान, मतलब जर्मनी और जापान जीतने की ओर थे, और ब्रिटेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रहा था। और जब हम जीतते हैं, हमें सफलता मिलती है, तो सबसे पहले हमारे अंदर आता है घमंड, और इसी घमंड में जापान ने 7 दिसंबर 1941 को यूएसए का एक नेवल बेस था जिसका नाम था पर्ल हार्बर, उस पर अटैक कर दिया। और तब तक यूएसए यानी कि आज का अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस युद्ध में भाग नहीं ले रहा था, और ये जापान की बहुत बड़ी गलती थी। तो लिखो घटना क्या घटी, जापान अटैक्ड परल हार्बर। और ये परल हार्बर क्या था भाई, नेवल बेस मतलब नौसेना का अड्डा। और कब हुआ, 7 दिसंबर 1941 में। अब घटना क्या घट रही है, यूएसए युद्ध में भाग नहीं ले रहा, लेकिन जापान फिर भी उसके नेवल बेस को तबाह कर रहा। अब ये नेवल बेस तबाह होता है ना, एक तो उनका नौसेना का पूरा अड्डा तबाह हो गया, दूसरा इसमें यूएसए के बहुत सारे सिपाही मारे गए, बहुत सारे सैनिक मारे गए। अब यूएसए को आ गया गुस्सा, और इस घटना के बाद यूएसए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होता है, और जापान के दो शहरों पर बॉम्ब गिराता है 1945 के अंदर, 6 दिसंबर 1945 को हिरोशिमा में, और 9 दिसंबर 1945 को नागासाकी के अंदर। और वो युद्ध बम्ब गिराते ही, परमाणु हमला होते ही, जापान पूरी तरह से टूट जाएगा। तो लिखो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा,
ये जापान के एक शहर का नाम है भाई, पर बॉम्ब गिराया जाता है और उस बॉम्ब का नाम है लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब गिराया जाता है उसका नाम है पैटमैन। इसे लिख सकता हूं परमाणु हमला। ये था दुनिया का पहला परमाणु हमला या फिर न्यूक्लियर अटैक। और इस अटैक की वजह से जापान पूरी तरह से टूट गया और दूसरी ओर से रशिया ने जर्मनी को हरा दिया। जो देश युद्ध जीत रहे थे वो तो हार गए और जो युद्ध हार रहे थे वो युद्ध जीत गए। इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत होती है। अब युद्ध कोई भी जीते कोई हारे नुकसान दोनों को होता है। इस युद्ध के बाद ये युद्ध खत्म होता है 1945 में और शुरू कब हुआ था 1939 में। 6 साल युद्ध चला। ब्रिटेन इन 6 सालों में पूरी तरह से तबाह हो गया। जैसे अगर आज भारत या पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, चाहे भारत पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दे, भारत का नुकसान बहुत ज्यादा होना युद्ध में। युद्ध होगा तो खर्चा होगा, खर्चा होगा तो नुकसान होगा, फैक्ट्रियां नहीं होंगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, लोग भूखे मर जाएंगे। वो हालात ब्रिटेन के हुए जो इतना पूरी दुनिया के ऊपर राज करता था वो बहुत कमजोर हो गया। और भारत की आजादी के जितने भी कारण हैं उनमें से एक कारण ये भी है कि ब्रिटेन पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा था। ब्रिटेन ताकतवर नहीं रहा, युद्ध के बाद देश कमजोर हो गया। वहां पर चुनाव होते हैं और चुनाव होते ही वहां की सरकार पलट जाती है भाई, और प्रधानमंत्री बनते एक नए व्यक्ति जिसका नाम होता है क्लीमेंट एटली। युद्ध के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? क्लीमेंट एटली। क्लियर है जी? और क्लीमेंट एटली जैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहली घोषणा ये करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्त करना भारतीयों का अधिकार है और भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए एक मिशन का निर्माण करेंगे और जिसे बोला जाता है कैबिनेट मिशन। और यह आएगा 1946 में, नाम है इसका कैबिनेट मिशन। इसमें होते हैं 3 सदस्य। और सबसे पहले व्यक्ति होते हैं पैथिक लॉरेंस। दूसरे होते हैं वही स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरे होते हैं ए बी अलेक्जेंडर। ये होंगे भाई पैथिक लॉरेंस। स्टेफर्ड क्रिप्स और ये हैं ए बी अलेक्जेंडर। और इसके अध्यक्ष होते हैं पैथिक लॉरेंस। ठीक है, ये मिशन भारत आता है, कैबिनेट मिशन भारत आएगा, भारतीय नेताओं से बात करता है और आकर कहता है कि ठीक है भाई हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे बाद कौन इस देश को चलाएगा कौन? आप आज की समय सोच के देखो, अगर एक राज्य का ही हम एग्जाम्पल लो, मान लो हरियाणा या उत्तराखंड, वहां पर सरकार ना हो, मुख्यमंत्री ना हो, क्या सिस्टम चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि वहां अगर सरकार नहीं होगा तो लोग क्या से क्या कर देंगे, कितना ज्यादा क्राइम बढ़ जाएगा। सरकार होने के बावजूद, सिस्टम होने के बावजूद, जब इतना कुछ काम हो रहा है, इतनी सारी घटनाएं हो रही है,
बिना सरकार तो काम चलाना मुश्किल हो जाएगा। अंग्रेजों ने यही बात भारतीय नेताओं से बोली कि ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे बाद भारत को चलाएगा कौन। तब भारतीय सोचने पर मजबूर हुए, क्योंकि चुनाव करवाना तो एक टाइम लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि आज अंग्रेज गए हैं और कल ही चुनाव हो जाएंगे, नई सरकार बन जाएगी, उसमें समय लगता है, देश का संविधान भी नहीं बना था अभी तक। तो उन्होंने कहा कि जब तक आपके यहाँ चुनाव नहीं होते हैं तब तक एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई जाए, इंटरिम गवर्नमेंट या फिर अंतरिम सरकार। तो इसने आकर भारतीयों को क्या बोला, तत्काल अंतरिम सरकार का निर्माण, क्या बोला भाई, तत्काल अंतरिम सरकार का निर्माण। अंतरिम सरकार मतलब इंटरिम, इंटरिम या अंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, जो कुछ समय के लिए बने। और दूसरा कहा निर्वाचित संविधान सभा का गठन, हाँ जी ये वो मिशन था जिसके तहत हमारी संविधान सभा का निर्माण होगा, गठन होगा, जो आगे चलकर हमारे देश का संविधान बनाएगी। दो क्वेश्चन में पहले बता चुका हूं, तीसरा ये बन गया। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ तो वो होता है कैबिनेट मिशन। हाँ जी संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत होगा, कैबिनेट मिशन। अगर पूछा जाए कि पहली बार संविधान सभा का जिक्र किस मिशन में हुआ तो वो होगा क्रिप्स मिशन, वो कब आया था 1942 के अंदर। और अगर पूछा जाए पहली बार संविधान का जिक्र वो किस मिशन में किया तो वो किया 1940 में। तीन मिशन है भाई, क्रिप्स मिशन, अगस्तोफर एंड कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का निर्माण होता है कैबिनेट मिशन से, कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान सभा का पहली बार जिक्र होता है क्रिप्स मिशन में, क्लियर ये बात, ठीक है ना, हो गया। हाँ जी तो हमारी संविधान सभा का निर्माण इस मिशन के तहत होगा जो देश का संविधान बनाएगी, और एक बनेगा अंतरिम सरकार जो तब तक के लिए देश पर राज करेगी जब तक देश में चुनाव नहीं हो जाते, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं 1946 की और चुनाव जाकर होंगे 1952 तक। तो इन 6 सालों में देश में टेम्परेरी गवर्नमेंट ही काम करती है, वो परमानेंट नहीं थी, क्लियर है ये बात, ठीक है भाई। तो अब मुझे ये बताइए, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, बीच में हमने छोड़ दिए थे। ये भाई पहला क्वेश्चन ये बना था कि हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब कब गिराया गया, तो हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिराया जाता है 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा के ऊपर गिराए जाने वाले बॉम्ब का नाम क्या था, और वो नाम था लिटिल बॉय। हिंदी में भी इसका नाम लिटिल बॉय रहेगा, कहीं ढूंढो छोटा लड़का, वो नहीं मिलेगा क्योंकि नाम नहीं बदलता है कभी भी। और अगर पूछा जाए नागासाकी के ऊपर गिराए बॉम्ब कब गिराया गया, वो उसकी 3 दिन बाद गिराया जाता है 9 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर गिराए जाने वाले बॉम्ब का नाम क्या था, ये रहेगा फैट मैन, क्लियर है। है ना। तीसरा, जापान ने यूएसए के किस जहाज पर हमला किया, वो था परल हार्बर। परल हार्बर एक्चुअल में एक ये जहाज था, ये नौसेना का जहाज था और इसी के ऊपर यूएसए का नेवल बेस था। अब अगर थल सेना का हमें अड्डा बनाना है, थल सेना का बेस, बेस का मतलब होता है अड्डा, आर्मी की लैंग्वेज में उसे बेस बोला जाता है। और अब थल सेना का तो जमीन पर हो जाएगा, वायु सेना का भी हो जाएगा। अब जल सेना नेवल कहाँ लड़ती है, पानी के अंदर। तो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनके ऊपर अक्सर अड्डे बनाए दिए जाते हैं, बेस बनाया दिया जाता है। तो ये परल हार्बर एक जहाज का नाम था, और समुद्री जहाज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए जापान ने यूएसए के किस जहाज पर हमला किया, तो किस पर किया,
परल हार्बर के ऊपर। और परल हार्बर क्या था, ये एक नेवल बेस था, नौसेना का अड्डा था। ये अटैक कब होता है, ये होता है 7 दिसंबर 1941। और क्वेश्चन ये भी बना था कि किस घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया, तो वो लिया था परल हार्बर की घटना के बाद। कौन सी घटना के बाद, परल हार्बर की घटना के बाद। ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, चाहे एचएसएससी हो, चाहे राजस्थान का हो, उत्तराखंड का हो, या हरियाणा का हो, या सेंटर का एसएससी हो। क्लियर? तो अब निर्माण करते हैं हमारी अंतरिम सरकार। ठीक है भाई, यह बनेगी 1946 के अंदर। इस सरकार के सबसे पहले कोई भी सरकार हो उसका होता है एक अध्यक्ष। 1940 में हम पर राज कौन कर रहा था, अंग्रेज। अभी तक तो अंग्रेज छोड़ के नहीं गए है ना, कुछ समय बाद जाएंगे। तो इस सरकार की अध्यक्षता कौन करेगा, एक अंग्रेज ही करेगा। और उस समय वायसराय होते हैं लॉर्ड वेवेल। तो ये होते हैं सरकार के अध्यक्ष वेवेल। लॉर्ड तो काय के लॉर्ड है, ये कुछ नहीं। उपाध्यक्ष या फिर वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? और यही होते हैं विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। और यही होते हैं राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री। क्लियर है? फिर आएंगे हमारे कृषि मंत्री। हाँ जी, कृषि मंत्री बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो आगे चलकर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बनेंगे। फिर आता है श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर, और वो बनते हैं बाबू जगजीवन राम। फिर आता है रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री बनते हैं सरदार बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन बनेगा, सरदार बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचारी। रेल मिनिस्टर, ये बनते हैं अशरफ अली। मंत्री कई सारे बनेंगे, सबके सब इंपॉर्टेंट नहीं है। वो है जो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं। अब इन्हें याद कैसे करें भाई, अब ये तो आप याद कर लोगे ना, अध्यक्ष कौन था, एक अंग्रेज ही था, और उस समय का हमारा वायसराय होता है लॉर्ड वेवेल, जो 1940 तक रहता है। 1947 में वायसराय बदल जाएगा, वायसराय आएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के समय हमें स्वतंत्रता मिली है, ये हिस्ट्री में पूरा टॉपिक है, वो पढ़ेंगे भाई, वायसराय कौन आया, कब आया। दूसरा, सरकार के उपाध्यक्ष या फिर वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चलकर हमारे प्रधानमंत्री भी बनते हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, और एक साधारण व्यक्ति ही कृषि कर सकता है भाई, सबके बस की बात नहीं है, तो कृषि मंत्री। हाँ जी, रक्षा मंत्री
सरदारों से ज्यादा हमारी रक्षा कौन कर सकता है। सरदार बहुत ही मार्शल कौम है देश की, और ऐसी जगह पर बैठी है जहां पाकिस्तान के बीच में सरदार ही आते हैं, पंजाब, तो रक्षा वहां सरदारों से जोड़ देना अपनी, पावरफुल लोग होते हैं। श्रम मंत्री, हाँ जी, अगर कोई क्लर्क बन जाए ना, उसके ऑफिस में उसे बोला जाता है बाबूजी, और इन क्लर्क से काम करवाना बहुत मेहनत का काम है, श्रम का काम है। सबसे ज्यादा अगर किसी फाइल को कोई अटकाता है सरकारी विभागों में, तो ये क्लर्क ही होते हैं, ये बाबूजी ही होते हैं, और बाबू जगजीवन राम जोड़ सकते हैं आप वहां पर, ये बने हैं श्रम मंत्री। हाँ जी, रेल मंत्री आशफ अली एकमात्र मुस्लिम थे जो कांग्रेस के मंत्री बनते हैं, लेकिन यहां पर मुस्लिम लीग भी शामिल होती है भाई। मुस्लिम लीग शुरुआत में अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर देती है, लेकिन बाद में इसके 5 मंत्री शामिल होते हैं, 5 के नाम याद नहीं करने हैं, 1-2 इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत जरूरी हैं। और पहले हैं वित्त मंत्री, और वो बनते हैं भाई लियाकत अली। कौन बनते हैं वित्त मंत्री? लियाकत अली। लियाकत अली ये वही व्यक्ति है, जब देश का विभाजन हो जाएगा 1947 में, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनता है। और ये क्वेश्चन आया था रेलवे के अंदर कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो वो होते हैं लियाकत अली। और HSSC हरियाणा के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन होता है, ये लियाकत अली है, क्योंकि इनका जन्म हरियाणा के करनाल में होता है। जब देश का विभाजन होता है तो ये भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। दूसरा आता है हमारे विधि मंत्री, विधि मंत्री, और ये बनेंगे, इनका नाम है जोगेंद्र नाथ मंडल। हाँ जी, ध्यान देने वाली बात है, नेता कौन सी पार्टी का है? मुस्लिम लीग का, और व्यक्ति कौन है? हिंदू। ये अपोजिशन हो गया ना। ऐसे बहुत सारे नेता थे मुस्लिम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, लेकिन ऐसे बहुत कम थे जो हिंदू होकर मुस्लिम लीग में थे। ये जोगेंद्र नाथ मंडल उन्हीं में से हैं, और ये देश के पहले विधि मंत्री, या फिर मैं कहूँ कानून मंत्री बनते हैं। और यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चन ये आएगा कि इंटरिम गवर्नमेंट में देश का लॉ मिनिस्टर कौन था, कानून मंत्री कौन था, या फिर विधि मंत्री कौन था? वो थे जोगेंद्र नाथ मंडल। एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया कि जोगेंद्र नाथ मंडल का संबंध कौन सी पार्टी से था, और पहला ही ऑप्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा। मुस्लिम लीग सबसे लास्ट में देंगे, क्योंकि अगर जिसे नहीं पता है वो तुक्का भी मारेगा मुस्लिम लीग पे तो नहीं जाएगा, क्योंकि नाम हिंदू है। तो यहां इस बात को कंफर्म कर लेना कि जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग के नेता थे हिंदू होकर भी। जब देश का बंटवारा होगा तो ये पाकिस्तान चले जाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ समय बाद ये वापस हिंदुस्तान आ जाते हैं, क्योंकि इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। क्लियर है? ये दो याद रखने हैं मुस्लिम लीग से, और बाकी ये याद रखने हैं भाई। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्ट एक लाइन में जरूर लिख दिया, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हमने क्या क्या देखा कि भारत का जब संविधान बनता है तो 1935 से शुरुआत होती है, 1935 के कानून में, 1937 में चुनाव होते हैं उसी कानून के तहत। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत में पहले चुनाव हुए 1937 के अंदर, वो किस कानून के तहत हुए? तो वो हुए भारत शासन अधिनियम 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अंदर। क्लियर है भाई? उस समय की इंडियन जो गवर्नमेंट थी वो थी तो अंग्रेजों की, लेकिन राज्यों में सरकार किसकी बन गई थी? कांग्रेस की। उसके बाद हमने पढ़ा कि 1940 युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है 1939 के अंदर, और वो 6 साल चलता है, और उस युद्ध में भारतीय बिना भारतीयों की सलाह लिए
युद्ध में भारतीयों को शामिल कर देते हैं। भारतीय नेताओं से डिस्कस ही नहीं किया जाता कि हम भारत की सेना को युद्ध में शामिल कर रहे हैं। इस बात से इंडियन नेशनल कांग्रेस नाराज होगी और वहां सभी सरकारों से त्याग पत्र दे देगी। त्याग पत्र देने से संवैधानिक संकट, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजास्टर आ जाता है एक तरह से। वहां सरकार ही नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। उससे नाराज होकर वो त्याग पत्र देते हैं। तब भारतीयों को मनाने के लिए एक तो युद्ध में साथ चाहिए, दूसरा ये सरकार टूट गई है, राज्य भी तो संभालने हैं, अंग्रेज तो वहां युद्ध में शामिल हो गए। तो भारतीयों को मनाने के लिए 1940 में क्या आता है, अगस्त ऑफर। और अगस्त ऑफर में क्या बोला जाता है कि भाई आपको इस बात से दिक्कत है ना कि आप तो बिना पूछे युद्ध में शामिल हुए, चलो हम एक कमेटी बना देते हैं, जो कमेटी कहेगी उसके अकॉर्डिंग फैसला लेंगे। दूसरा, भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे और वो हमें मंजूर नहीं होता क्योंकि हमें चाहिए पूर्ण आजादी। फिर से भारतीयों को मनाने के लिए 1942 में क्या आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा। कौन लेकर आएगा, स्टेफर्ड क्रिप्स। अगर आपसे पूछा जाए कि 1942 में आए क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो आपको ये पहला नाम याद रखना है, स्टेफर्ड क्रिप्स। क्योंकि जानबूझकर कुछ ऐसा नाम डालेंगे जिसके लास्ट में दूसरा भी क्रिप्स होगा। अगर दो क्रिप्स हो गए तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे स्टेफर्ड क्रिप्स। क्लियर है। फिर से ये बोलेगा कि भारत में युद्ध में हमारा साथ दो, युद्धोपरांत भारत की संविधान सभा के निर्माण की बात करेंगे और युद्धोपरांत डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, वहां भी बात नहीं बनेगी। फिर आएगा 1940 में कैबिनेट मिशन। और यहां से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। कौन कौन थे भाई, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। क्लियर है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हमसे जुड़े रहिए। एड अंकल कोई नया नहीं है एजुकेशन के फील्ड में, पिछले 6 से 7 साल में हम यहाँ काम कर रहे हैं और लाखों बच्चों को हमने पढ़ाया है, हजारों बच्चों को सिलेक्शन दिलवाया है। आप भी जुड़िए, हम आपके साथ मेहनत करने को तैयार हैं, आपसे ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से काम होगा और जुड़े रहेंगे। जीएस में सच में अगर आपको फर्क नजर आएगा, ये 2 से 3 महीने आप हमसे जुड़े रहिए एग्जाम तक। थैंक यू वेरी मच।